गोविंदा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक्टर को 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल ही गई। आपको बता दें कि गोविंदा को 1 अक्टूबर की सुबह पैर में गोली लग गई थी। उनकी अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से मिस फायर हो गया था, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वही अभिनेता व्हीलचेयर पर अस्पताल से जब बाहर निकले तो मीडिया और उनके फैंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। गोविंदा ने भी नम आंखों से सभी का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने हाथ हिलाया और फ्लाइंग किस भी दी। वहीं साथ में उनकी पत्नी और बाकी लोग भी नजर आए। वहीं उन्होंने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन भी किया और सभी का शुक्रिया अदा भी किया। वहीं अब उनके बाहर आने के बाद उनके भाई और एक्टर की बेटी टीना आहूजा ने मीडिया से बातचीत की है। तो आइए जानते हैं कि दोनों ने एक्टर को लेकर क्या बात कही। मतलब कैसे सुधार आया है? जी हाँ, सुधार काफी है और बहुत अच्छा है और ईश्वर की कृपा से उनको जो है आज डिस्चार्ज मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। हम लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं नीचे और आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत प्रेम और बहुत आदर और हम लोगों के लिए आप बहुत मतलब कंसर्न रहे हैं हम लोगों के हमारे परिवार के लिए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, साथ ही साथ बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे हैं, ये पब्लिक स्टंट भी है। यहाँ तक लोगों ने ये भी कहा कि बाहर से हमला हुए हैं बट अभी तक गोविंदा सर की फैमिली ने ये कंफर्म। मेरे पास कोई इलाज नहीं है स्टंट का, मेरे पास इलाज नहीं। स्टंट नहीं सर, बट बाहर से, क्योंकि गोविंदा सर बाहर का भी मेरे पास इलाज नहीं है, मेरे पास घर का इलाज है, घर का इलाज है, जानकारी नहीं है। उनको करने देते बहुत अच्छा हेल्थ है, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। हेल्थ इज गुड, ही इज रिकवरिंग, डॉक्टर अंकल इज देयर, सो आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।